स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल पर। और आज हम बात करेंगे क्लास इनवर्स 12th की टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के थर्ड पार्ट की। बच्चों, अब तक हमने सीखा कि कैसे हम डोमेन और प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू डिसाइड करते हैं, और हमने सीखा कि हम कैसे उन पे बेस्ड सम को सॉल्व करते हैं। आज हम इस कड़ी में कुछ और आइडेंटिटीज को सीखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ प्रॉपर्टीज आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, साइन इनवर्स 1/x जो है वो कोसेकेंट इनवर्स x के इक्वल होता है। और आइए इसको प्रूव करते हैं कि क्यों होता है और कैसे होता है। देखिए बच्चों, यहां पर दो चीज हम समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात देखिए कि यहां पर जो रेसिप्रोकल है वो एंगल का नहीं है। हमें पता है कि इनवर्स फंक्शन के लिए जो इनपुट होती है वो क्या होती है, वैल्यू होती है। तो जैसे ही हम वैल्यू को रेसिप्रोकल करते हैं, वी विल गेट साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोसेकेंट में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए इसको समझते हैं। लेट दिस साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा, सो 1/x विल बी इक्वल टू साइन थीटा, करेक्ट है, ओके। और 1 विल बी या इसको रेसिप्रोकल करें दोनों को, क्या होगा, x विल बी इक्वल टू 1/sin थीटा, x की वैल्यू cosecant थीटा, यानी कि cosecant इनवर्स x विल बी इक्वल टू थीटा। और हम किसको लेके चले थे, साइन इनवर्स x को थीटा के इक्वल लेके चले थे। सो फ्रॉम 1 and 2 आई कैन कंक्लूड दैट साइन इनवर्स 1/x विल बी इक्वल टू cosecant इनवर्स। ठीक है, बट हमें ये क्या ध्यान रखना है, कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक इसके डोमेन का कि एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज जो है, देखिए क्या ये हमेशा सही होता है, कुछ बच्चे कह सकते हैं क्या सर हमेशा ऐसा होता है। कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि यस, क्योंकि साइन और कोसेकेंट दोनों ही -π/2 से +π/2 टाइप के फंक्शन है, और दोनों ही ओड फंक्शन है। आपने फंक्शन टॉपिक में पढ़ा होगा कि ओड फंक्शन और इवन फंक्शन क्या होते हैं, दोनों ही ओड टाइप के फंक्शन है। यानी कि साइन जब नेगेटिव होता है तब कोसेकेंट भी नेगेटिव होता है, और जब साइन पॉजिटिव होता है तो कोसेकेंट भी पॉजिटिव होता है। तो यानी कि दोनों की जो डोमेन वैल्यू है वो मैच कर जाती है। तो इसीलिए साइन इनवर्स 1/x को हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स 1/x। और इसी लाइन्स के ऊपर हम कह सकते हैं कि कोसेकेंट इनवर्स 1/x जो है वो किसके इक्वल होगा, वो होगा हमारा साइन इनवर्स x के इक्वल होगा। अब सेकेंड जो है वो है कॉस इनवर्स 1/x, और कोस की अगर वैल्यू का जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या आता है बच्चों, हमारे पास सीकेंट में कन्वर्ट होता है, बिल्कुल सेम लाइंस पे होगा ये सब भी। तो ये भी हम प्रूव कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि कॉस इनवर्स 1/x को हम थीटा अज्यूम कर लेते हैं, कॉस इनवर्स 1/x को थीटा अज्यूम कर लेते हैं। सो 1/x विल बी इक्वल टू कॉस थीटा, रेसिप्रोकल करने से क्या आएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे तो sec थीटा, और थीटा की वैल्यू sec इनवर्स एक्स। फ्रॉम 1 and 2 अगेन उसी लाइन्स के ऊपर, तो हम कह सकते हैं कि कॉस इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, करेक्ट है। और सेक इनवर्स 1/x क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स, है ना, बिल्कुल सेम इसी लाइन्स के ऊपर। टैन इनवर्स 1/x विल बी इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स 1/x इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स। तो क्या ये भी हमेशा होता है, नहीं बेटा, ये वाला जो केस है लास्ट केस है ये हमेशा नहीं होता है। इसका क्या कारण है, क्योंकि साइन जो टैन है अगर आप देखेंगे बेटा, तो इसके लिए जो हमारे पास माइनस, हम कहां से कहां तक लेते हैं वैल्यूज, जो हमारे प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यूज हैं वो कहां से कहां आती है, -π/2 से +π/2 के बीच में। और जबकि कोट के लिए क्या होती है, ये 0 to π होती है, तो इनके इंटरवल मैच नहीं करते हैं। दूसरी चीज जो है, आप इनको देखेंगे तो कोट जो है वो इवन टाइप का फंक्शन होता है, और ये जो है ओड टाइप का फंक्शन होता है। तो लेकिन एक पर्टिकुलर केस है जहां हम कहते हैं कि अगर ये हमारी उसी ब्रांच वैल्यू की अगर हम बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो ये ऐसा होता है। हमारे एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है। इससे एडवांस के लिए हम एक अलग वीडियो हम देखेंगे जहां मैं डिस्कस करूंगा कि बाकी जो पर्टिकुलर केसेस है उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज साइन इनवर्स एक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इस पे बेस कई बार जो है आपके आईआईटी वगैरह में भी सम आए हैं कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2।
तो ये हम चेक करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू। तो एक सबसे सिंपल रूल जो है वो तो ये है कि आप जिसको चेंज करना चाहते हैं उसी को आप थीटा मान लीजिए, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हमें जाना कहां है, क्या करना है, तो बहुत ही आसान है। यहां से अगर मैं कहूं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा। अब मुझे सीन में क्या चाहिए, मुझे चाहिए कॉस भी चाहिए। ओके, कॉस के लिए हम क्या करेंगे, क्या मैं इसे x को साइन नाइन साइन थीटा को क्या मैं कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो कॉस को इधर ले आते हैं तो आप बताइए कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू प्लस थीटा, और थीटा को माइनस थीटा सॉरी। तो इस थीटा को अगर मैं इधर ले आऊं तो थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू हुई पाई बाय टू, और थीटा कितना है, थीटा है साइन इनवर्स एक्स। सो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू। तो यानी कि इफ दीज वैल्यूज आर सेम तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी, पाई बाय टू। आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं इसको चेक करने के लिए, 1/2 ले लेता हूं और कॉस इनवर्स भी 1/2 ले लेता हूं। तो आप सोल्व करके देखिए जरा, सोचिए साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, पाई बाय 6 पर, और कॉस की वैल्यू 1/2 पाई बाय 3 पर। अगर हम प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यूज की बात करें तो केवल मैं उसी की बात कर रहा हूं यहां पर जब ये फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं। इनवर्स फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेंगे जब वो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में होंगे, यानी कि वो बाइजेक्टिव फंक्शन होंगे। तो ये हमारा एक पहला रिजल्ट है, और इन्हीं लाइंस के ऊपर हम प्रूव कर सकते हैं दूसरा रिजल्ट भी, दैट टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होगा हमारा, ये भी पाई बाय टू होगा, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेकेंट इनवर्स एक्स भी पाई बाय टू होगा। ठीक है, याद हो गई ये हमारे पास प्रॉपर्टीज, ये हमने तीन बेसिक प्रॉपर्टीज, इस पे बेस हमारे बुक में सम भी दिए हुए हैं, बहुत ही आसान आसान से सम है, तो उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से बेटा समझ लीजिए, क्योंकि एक बार अगर आपका बेसिक्स क्लियर हो गया तो आपको टॉपिक करते वक्त कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं, यस, यहां हम साइन को कोस में कन्वर्ट करेंगे या टैन में कन्वर्ट करेंगे जब कभी सिंप्लीफिकेशन करने के लिए अगर हमें इनवर्स जो फंक्शंस हैं उनको एक जैसा बनाने की जरूरत पड़ती है, तो हम क्या करेंगे, कैसे उनको प्रूव करेंगे। चलिए मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, इनके सेकेंड पार्ट जो है वो आपके लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, तो दो तरीके हो सकते हैं, एक हम ट्राइंगुलर मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल। तो दोनों ही मेथड से मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। हमने साइन इनवर्स एक्स को मान लीजिए कन्वर्ट करना है कॉस में, एज आई टोल्ड यू दैट आप एक्स को साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लीजिए, एक्स की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा। एक्स स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों ये ध्यान रखिए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको बाकी के कैलकुलस के पोर्शन में बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, तो हम इसको बिल्कुल नेगलेक्ट ना करें और बहुत अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को समझ लें। एक्स स्क्वायर विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा विल बी रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक तो ये तरीका है जिसकी मदद से हम इसको प्रूव करते हैं कि साइन इनवर्स एक्स विल बी कॉस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और टैन में अगर कन्वर्ट करना हो तो आप कह सकते हो कि एक्स इज इक्वल टू क्या है, साइन थीटा है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा है। दोनों को अगर डिवाइड करें, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा है, ये क्या बन जाएगा, एक्स बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टैन थीटा, और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x by रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक मेथड है ये जब हमने सीखा, आप इसको राइट एंगल ट्राइंगल के मेथड से अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखिए x क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपो होता है, करेक्ट है। तो यहां परपेंडिकुलर हम x ले लेते हैं और हाइपो कितना ले लेते हैं, 1। तो बताइए बेस कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और सिंपल है, अब हम इसको किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए x इज इक्वल टू साइन थीटा है, और अगर हम कहें कि अगर हमें cos थीटा फाइंड आउट करना है तो cos थीटा क्या होगा, बताइए क्या होगा cos थीटा, cos थीटा होगा बेस अपॉन हाइपो, यानी कि रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1। तो थीटा की वैल्यू क्या हुई, यहां से यही हुई ना, cos इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
ये परपेंडिकुलर है और बेस क्या है, रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इस ट्रायंगुलर मेथड से थोड़ा सिंपल पड़ता है, तो इसी की मदद से हम बाकी वैल्यूज को भी कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह से हम कॉस इनवर्स एक्स को भी समझ सकते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स का केस अगर हम देखें बेटा, अगर साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर है तो कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा, साइन इनवर्स रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटिव आइडेंटिटी जो है हमारे पास फॉर्मूले हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई कैसे हम ऐड करेंगे, समझते हैं इसको। देखिए आपने क्लास 11 में साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला तो पढ़ा होगा पक्का, क्या होता है साइन ए प्लस बी बताइए, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी, यस क्या होगा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, करेक्ट है, यही होता है साइन ए प्लस बी। चलिए अभी साइन ए प्लस बी को हम यूज करते हैं टू ड्राइव अवर फॉर्मूला। देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम तो साइन को इधर भेज देते हैं ताकि साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाए, तो ए प्लस बी विल बिकम साइन इनवर्स, बड़े ध्यान से समझिए बेटा इसे, साइन ए कॉस बी। मैं एक एक स्टेप करके इसको सॉल्व करूंगा ताकि आप इसको फॉलो कर सकें। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, इस साइन फंक्शन को हम राइट हैंड साइड लेके गए, अब मुझे ए की जगह क्या चाहिए, साइन इनवर्स एक्स, तो हम क्या करते हैं इस ए को लेट ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स और बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। ठीक है, ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स एंड बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई, तो यहां बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी, साइन, और वाई की वैल्यू क्या होगी, साइन बी। अगर साइन ए एक्स है तो कोस ए कितना होगा बताइए, आप चाहे तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, साइन ए एक्स होने का मतलब परपेंडिकुलर वन है, हाइपो परपेंडिकुलर एक्स है और हाइपो वन है, तो बेस कितना होगा, रूट ऑफ वन माइनस एक्स के। अब बताइए कोस ए कितना होगा, रूट ऑफ वन माइनस एक्स के। इसी तरह से कॉस बी की वैल्यू क्या होगी, सेम लाइंस पर वन माइनस वाई स्क्वायर। तो उम्मीद है इतना समझ में आया बच्चों, अगर इतना समझ में आया तो हमारा सब हो गया है। अब फिर से समझे, ए को हमने क्या लिया, साइन इनवर्स एक्स, बी को क्या लिया, साइन इनवर्स वाई, तो साइन ए इज इक्वल टू एक्स एंड साइन बी इज इक्वल टू वाई। साइन ए को कॉस ए में कन्वर्ट किया, रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर और वन माइनस साइन स्क्वायर बी यानी कि वाई। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर वन में, वैल्यू पुट कीजिए, क्या हुआ, ए क्या है साइन इनवर्स एक्स, बी क्या है साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ए एक्स, कॉस बी रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस ए रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन बी यानी कि वाई। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। मैं इसको ऐसे समझ सकता हूं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो अब इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर माइनस का साइन हो, साइन ए माइनस बी में क्या फर्क होता है, केवल एक बीच का साइन ही चेंज होता है, माइनस हो जाता है। तो अगर मैं इसको माइनस में ट्रीट करता हूं, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर और ये साइन जो है वो बीच में से माइनस कन्वर्ट हो जाएगा वाई रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल इन्हीं लाइंस पे हम कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करते हुए वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या फॉर्मूला बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो पहले आप कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख लीजिए, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, यस कोस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, बिल्कुल उसी तरह से पहला काम कोस को उधर ले जाते हैं, ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस इनवर्स कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, करेक्ट है, चलिए साइन ए साइन बी।
अब a इज इक्वल टू हम ले लेते हैं cos इनवर्स x और b इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं cos इनवर्स y। क्यों लिया हमने ऐसा? क्योंकि हमें चाहिए एक ही जगह cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। समझ में आ रहा है कि हमने कैसे एज्यूम किया इनको? हमने एज्यूम किया ताकि हम इस a को रिप्लेस कर सके बेटा cos इनवर्स x से और b को रिप्लेस कर सके cos इनवर्स y से। तो x की वैल्यू क्या होगी cos a और y की वैल्यू क्या होगी cos b। करेक्ट है, करते हैं हम इसको, हम ट्रायंगुलर मेथड लगा रहे हैं। cos इनवर्स x अगर a है तो आप कह सकते हैं ना कि साइन इनवर्स रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए होगा। ठीक है, तो यहां हम देखते हैं कि यहां देखिए बेस कितना है हमारे पास x है, हाइपो वन है, तो परपेंडिकुलर कितना होगा वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर साइन ए की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो यानी कि रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए डायरेक्ट नहीं करके हमने ट्रायंगुलर मेथड लगाया। यहां पर साइन बी की वैल्यू बताइए अब क्या होगी फिर इस हिसाब से रूट ऑफ वन माइनस वाई वैल्यू पुट करते हैं ए की जगह कॉस इनवर्स यस एक्स, बी की जगह कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स व्हाट इज कॉस ए एक्स कॉस बी वाई माइनस साइन ए रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन बी रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमारी आइडेंटिटी तैयार हो गई कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर। अब सोचिए कि अगर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता तो क्या फर्क होता हमारे पास, केवल ये साइन पॉजिटिव होता। कॉस ए माइनस बी क्या होता, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यानी कि अगर मैं बात करूं cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y की, बताइए कौन सा साइन चेंज करेंगे, ये वाला साइन क्या बनेगा xy प्लस रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर। मैं इसको ऐसे पढ़ता हूं, एक्चुअली इस cos के टर्म में पढ़ता हूं, तो ये cos a हो गया, ये cos b, और अगर ये cos a है तो ये क्या होगा रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन a और रूट वन माइनस वाई स्क्वायर साइन b। तो इससे आपको कोरिलेट अगर आप करके पढ़ेंगे बेटा तो आपको ज्यादा आसानी से और ज्यादा अच्छी तरह से वो याद होगा। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई का। टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। देखिए इसके लिए आपको कौन से फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, टैन ए प्लस बी की। ओके, क्या होता है टैन ए प्लस बी बताइए, tan a प्लस tan b वन माइनस tan a tan b। करेक्ट है, क्या करना है बिल्कुल सिंपल, इसमें ना कुछ साइन को कोस में कन्वर्ट करना है ना कोस को साइन में करना। ठीक है, कोई चेंजेस यानी कि करने ही नहीं, सीधे सीधे हमें पहला काम tan को उधर ले जाते हैं, a प्लस b हो जाएगा हमारा tan इनवर्स tan a प्लस tan b बाय वन माइनस tan a tan b। अब a को आप मान लीजिए tan इनवर्स x, लेट a इज इक्वल टू tan इनवर्स x एंड b इज इक्वल टू tan इनवर्स y एंड चेक द फॉर्मूला, सो इट विल बिकम tan इनवर्स x एंड देन प्लस b की जगह tan इनवर्स y इज इक्वल टू टैन इनवर्स कितना टैन ए, टैन ए कितना होगा x, टैन बी y, वन माइनस टैन ए को x और b को y। तो टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y, टैन इनवर्स x प्लस y, वन माइनस एक्स वाई, तो टैन ए प्लस टैन बी वन माइनस टैन ए टैन बी के फॉर्मूले से हमने इसको बना लिया। और अगर इन्हीं लाइन्स पे हम टैन इनवर्स x माइनस टैन इनवर्स y को फाइंड आउट करते तो ये होता बेटा टैन इनवर्स x माइनस वाई वन प्लस एक्स वाई टैन ए माइनस टैन बी प्लस वन ए प्लस टैन ए टैन बी। ठीक, चलिए अब तक हमने बेसिकली साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y को cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y को और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को ऐड करना सीखा और उनके डिफरेंस को सीखा, और इन्हीं फॉर्मुलों की मदद से हम कोशिश करेंगे कि आगे के फॉर्मुले ड्राइव करें।
देखिए पहला फॉर्मूला एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्या लिखा था मैंने बताइए आप, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या लिखा था, सोचिए एक सेकंड पॉज करके सोच सकते हैं आप, बताइए साइन इनवर्स साइन ए कॉस बी एक्स रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर वाई रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए इतना ही एक बार रखते हैं, इसकी मदद से हम कुछ फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये बताइए कि अगर मैं इस y को रिप्लेस कर दूं अगर x से, ये मैंने y को रिप्लेस किया अगर x से, ये y को रिप्लेस किया x से, जहां जहां y मिला मैंने रिप्लेस किया, y इज रिप्लेस्ड विद x, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x क्या हुआ, टू साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स ये दोनों सेम है तो आप कह सकते हो टू रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, टू एक्स रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां ये बात समझने की बेटा कि आप इसको देखिए, आपको साइन टू थीटा का फॉर्मूला याद है, साइन टू थीटा के फॉर्मूले से भी कोरिलेट कर सकते हैं आप इसको, साइन टू थीटा क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, मैं उससे भी इसको ड्राइव करके बता देता हूं। सो टू थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स टू साइन थीटा कॉस थीटा, आप डिटेल से समझ लीजिए, ऑल द रोड गोज टू रोम, सारे फॉर्मुलों से हम इनको ड्राइव कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। क्या अज्यूम करना है, अगर मुझे ये चाहिए, अगर मुझे इसको ड्राइव करना है तो बताइए थीटा को किसके इक्वल अज्यूम किया जाए, लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, अगर ये साइन इनवर्स एक्स है तो ये किसके इक्वल होगा, कॉस इनवर्स रूट ऑफ वन माइनस, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, वैल्यू पुट करते हैं, टू थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन थीटा कितना होगा एक्स, और कॉस थीटा कितना होगा रूट ऑफ वन माइनस एक्स के, और ये टू हो गया ना, इस तरीके से भी। तो आप चाहे तो एडिशन वाले फॉर्मूले से ड्राइव कीजिए, आप चाहे तो सब मल्टीपल फॉर्मूला यूज कीजिए, तो दोनों ही मेथड से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, साइन टू थीटा किसके इक्वल होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, इसीलिए टू साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू साइन इनवर्स टू एक्स रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर होगी। चलिए आगे बात करते हैं, इसी लाइंस के ऊपर हम फाइंड आउट करेंगे कॉस के फॉर्मुलों को भी, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, क्या था, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर, करेक्ट है। अच्छा इस वाई को भी अगर मैं एक्स से रिप्लेस करूं तो देखिए क्या बन जाएगा, एक्स इंटू एक्स, करेक्ट है। तो ये हुआ टू कॉस इनवर्स एक्स, और ये हुआ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हुआ, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे तो वन माइनस एक्स, ठीक है। So, ये हो गया बेटा कॉस इनवर्स, देखिए एक्स स्क्वायर और ये भी प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो कितना हुआ टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अच्छा आप इसको सब मल्टीपल फॉर्मूले की कौन सी आइडेंटिटी से कोरिलेट कर पा रहे हैं, कौन सी आइडेंटिटी से कोरिलेट कर पा रहे हैं, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, है ना, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, बिल्कुल वही किया गया, टू थीटा की वैल्यू। ये सेकंड मेथड मैं आपको बता रहा हूं कि आप इसको कैसे ड्राइव कर सकते हैं। देखिए क्यों हम दो दो मेथड को यहां फॉलो कर रहे हैं, ताकि मैं आपको ये बात समझा सकूं बेटा कि अगर आपकी अप्रोच सही है तो हम किसी भी फॉर्मूले से कहीं तक भी पहुंच सकते हैं, और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि यहां हमने ऐसा क्यों किया। थीटा को कॉस इनवर्स एक्स अज्यूम कर लेते हैं, लेट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, आप कह सकते हो कि एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, चलिए वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, टू कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो ये जो अब थर्ड जो है हम इसके बारे में बात करेंगे, टू टैन इनवर्स एक्स के, और ये आपके मैं अगर कहूं अगर ये गलत नहीं होगा तो कम से कम भी आपकी एक्सरसाइज के 50% सम्स में ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं आगे या पीछे यूज होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी सारे सम्स में इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। चलिए समझते हैं इसको, टू टैन इनवर्स एक्स के फॉर्मूले। देखिए एक तो हम यहां पर क्या अप्लाई कर सकते हैं,
वही अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं जो अब तक हमने साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एक्स वाले केस में लगाई थी। कौन सा फॉर्मूला? टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई, करेक्ट है। क्या था वो? टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई। अच्छा, वाई को एक्स से रिप्लेस कर देना है, तो ये हमारा काम हुआ। इतना एक्स से रिप्लेस किया, एक्स और एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। तो आप कह सकते हो कि टू टैन इनवर्स एक्स की वैल्यू टैन इनवर्स टू एक्स बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर। यस, ये एक फॉर्मूला हुआ। अब बाकी इसको आप टैन टू थीटा वाले फॉर्मूले से आप खुद ड्राइव कर सकते हैं, वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया एज अ होमवर्क, ठीक है। अब देखिए, साइन टू थीटा भी एक टैन की फॉर्म में होता है, याद है आपको क्या लिखा था हमने? टू टैन थीटा, सब मल्टीपल फॉर्मूला क्लास 11, वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा। और कॉस टू थीटा भी होता है, चलिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले यहां से देखते हैं। तो सेम हम क्या करते हैं, साइन को इधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन इधर ले जाएंगे तो साइन इनवर्स, या आप कह सकते हैं दोनों साइन इनवर्स से हमने मल्टीप्लाई किया, तो इनवर्स फंक्शन जो है एफ इनवर्स एफ जो है That is equal to x, identity function आपका बन जाएगा, करेक्ट है। तो टू थीटा को हम tan या tan थीटा को x मान लेते हैं, तो थीटा कितना हो गया, tan इनवर्स x, करेक्ट है। टू tan इनवर्स x इज इक्वल टू कितना, sin इनवर्स 2x by 1 plus x square, 2 tan theta कितना, x 1 plus x square, समझ में आया आपको बच्चों? इसी तरह से हम कह सकते हैं कि हम इसको cos के लिए भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे cos 2 theta होता है, मैं फटाफट इसको कर देता हूं, क्या होता है, 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta, करेक्ट है। करना क्या है, कॉस को इधर ले जाना है और यही वैल्यू पुट करनी है वापस से, तो कितना आएगा, टू टैन इनवर्स एक्स, तो ये हो गया कॉस इनवर्स वन माइनस टैन थीटा को क्या लिखा, एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये सब चीजें जो है आपको अगले वीडियो लेक्चर से पहले आपको बिल्कुल बाय हार्ट कर लेनी है, और स्पेशली ये फॉर्मूला तो हर एक बच्चे को जो लास्ट में हमने लिखा है ये तो आना ही आना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगले वीडियो लेक्चर से पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आपने ये फॉर्मूले अच्छे से याद किए हैं या नहीं किए हैं, तभी इसका फायदा होगा आगे पढ़ने का। चलिए बिल्कुल इन लाइन्स के ऊपर अब हमारे पास है थ्री साइन इनवर्स एक्स का। तो आपको याद होगा कि हमने जब ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 11 में पढ़ी थी तो साइन थ्री थीटा, कॉस थ्री थीटा और टैन थ्री थीटा की आइडेंटिटीज पढ़ी थी, तो उसी के ध्यान उसी को लाइन में हम इसको पढ़ेंगे। बहुत ही आसान है, साइन थ्री थीटा, पता है क्या होता है साइन थ्री थीटा, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, करेक्ट है। सो थ्री थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। अब थीटा को साइन इनवर्स एक्स मान लीजिए ताकि हमारा रिजल्ट आ जाए, तो एक्स की वैल्यू यहां से क्या होगी, साइन थीटा होगी। तो थ्री थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स थ्री साइन थीटा यानी कि एक्स फोर एक्स क्यूब, ये हो गया हमारा पहला रिजल्ट। इसी तरह से थ्री कॉस इनवर्स एक्स का हम ड्राइव कर सकते हैं, कॉस थ्री थीटा याद है क्या होता है, फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, तो थ्री कॉस कितना आएगा फिर, कॉस इनवर्स फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। सी एक्स को मैं कॉस थीटा पढ़ रहा हूं क्योंकि वहां हमें क्या लेट करना है, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स लेट करना है, तो आप कहेंगे फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, और इन्हीं लाइंस के ऊपर थ्री टैन इनवर्स एक्स विल बिकम, बताइए टैन थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा टैन थ्री थीटा, 3 tan theta minus tan cube theta 1 minus 3 tan square theta। तो मैं बोल tan theta रहा हूं बट मैं क्या कर रहा हूं, tan theta की जगह क्या लिख रहा हूं, x, यानी कि theta की जगह क्या लिखना है उसमें हमें, tan inverse x। अगर आपको इसको समझने में कोई दिक्कत हुई है, अगर आपको कुछ लगता है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, क्योंकि अगले वीडियो में फिर हम उसको इंक्लूड कर लेंगे, उस टॉपिक को हम रिवाइज कर लेंगे।
लेकिन बच्चों मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ये सारी आइडेंटिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इससे पहले कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जाएं या इसका एक एडवांस वीडियो लेक्चर हम प्रिपेयर करें, उससे पहले आप इसको बिल्कुल बाय हार्ट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को। उम्मीद है आपको ये सब आइडेंटिटी समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारा ईमेल एड्रेस, ट्विटर अकाउंट और फेसबुक आईडी यहां दी हुई है। थैंक यू।